अगर आपकी स्किन पे झुर्रियां आ गई हैं, काले दाग धब्बे आ गए हैं, रिंकल्स आ गई हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं, आपकी स्किन की टाइटनेस कहीं खो गई है, सैगी हो गई स्किन लटकने सी लगी है, और रही सही कसर जो है वो दाग धब्बों ने पूरी कर ली है, और साथ में हो गई है पिगमेंटेशन भी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आज की ये जो वीडियो है ना, वो मैं इसी प्रॉब्लम को टारगेट करके मैं ये वाला वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं अपने चैनल पे देखिए जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही अलग अलग होती हैं, बहुत ही वेरिएंट टाइप्स की होती हैं। तो जो मास्क होते हैं वो सारे मास्क हर चीज पे या हर प्रॉब्लम पे काम नहीं करते हैं। किसी की स्किन पे सैगिनेस है, किसी की स्किन में फाइन लाइन्स है, किसी की स्किन पे रिंकल्स आ गए हैं, कोई पिगमेंटेशन से परेशान है, कोई डार्क स्पॉट से परेशान है, कोई बम्प से परेशान है, कोई पिंपल से परेशान है। तो स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को टारगेट किया जाता है और उन्हीं प्रॉब्लम्स के अनुसार ही हम लोग वीडियोस लाते हैं अलग अलग तरीके के। तो आज की जो प्रॉब्लम है मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं बखान करूंगी, आप रिजल्ट खुद देखोगे कि आज जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो टारगेट करेगी किन किन चीजों को। वो टारगेट करेगी आपके फाइन लाइंस को, आपके जो यहाँ आंखों के आसपास या स्माइली यहाँ पे आपका बन जाती है ना लाइंस, उस पे टारगेट करेगी। आपकी झुर्रियां है अगर, उस पे टारगेट करेगी। आपका ग्लो कहीं खत्म हो गया है, वो नूर कहीं खत्म हो गया है, और साथ में चेहरे पे क्या हो गया है, मौसम की वजह से या फिर टेंशन की वजह से या फिर बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से, कोई भी रीजन हो, आपका जो स्किन टोन है वो कहीं आपको फील हो रहा है कि यार वो डार्कनप हो रहा है, तो उस पे ये टारगेट करेगा। तो ये जो चीजें हैं उसके लिए मैं आज आपके लिए कितना अच्छा और घरेलू फेस पैक लेके आ रही हूँ कि आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगे महंगे फेशियल कराने की भी जरूरत नहीं है, और आपका एक पैसा नॉट अ सिंगल पैनी खर्च होने वाला है, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलेगा। Hey family, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इशायरा पे, और मैं हूँ स्मृति। कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगे। तो आज की जो रेमेडी है वो मैंने टारगेट की हुई है अपने रिंकल्स उन सहेलियों के लिए जिनके जरूरी नहीं है कि उन्हीं के हो, उनके रिश्तेदारों के होगी या फिर उनके जान पहचान का होगा। तो अगर उन लोगों की ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों को, जिससे उनको भी बेनिफिट्स मिले। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इशायरा पे, और मैं हूँ स्मृति। यहाँ पे मैं लाती हूँ हर तीसरे दिन यानी हफ्ते में 3 दिन बेहतरीन रेमेडीज स्किन से और हेयर से रिलेटेड, जिसको लगा के मेरा परिवार खुश है और उसको लगा भी रहा है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने पसंद है, आप इंटरेस्टेड हो, अपने स्किन से आपको प्यार है, अपने स्किन को भी आप फ्लॉलेस ग्लॉसी ग्लास स्किन बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है, आपका एक पैसा भी नहीं जाने वाला है। पर जो आपकी स्किन की कंडीशन है वो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी धीरे धीरे सही हो जाएगी, बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगी अगर आप मेरे रेमेडीज ट्राई करते हो। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोडे, इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए मैंने सारी चीजें इकट्ठी करके रख ली हैं। सबसे पहली चीज जो है आपको ध्यान रखनी वो ये है कि आपको कोई भी रेमेडी लगाने से पहले, कोई भी घरेलू पैक लगाने से पहले या ऐसा ही कोई पैक रेडीमेड लगाने से पहले, यू हैव टू क्लीन योर स्किन वेरी प्रॉपरली। आपको अपने चेहरे को पहले से ही वॉश कर लेना बहुत अच्छे से। इसके बाद आप कोई भी साबुन या फेस वॉश मत लगाइएगा, क्योंकि जितने भी गुड़ होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपके चेहरे को। तो चलिए जो सबसे पहला इंग्रीडियंट वो है दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड, ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके चेहरे के दाग धब्बों को कम करता है, आपकी स्किन को काम एंड कूल करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पे लूंगी वो है चावल का आटा, जो कि मैंने ऑलरेडी 1 चम्मच निकाल के रखा है। तो यहाँ पे मैं मिला दूंगी 1 चम्मच चावल का आटा इस तरीके से। चावल के आटे में ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, आपकी स्किन को ये लाइटन अप करेगा, ब्राइटन अप करेगा, फेयर करेगा, दाग धब्बों को खत्म करेगा, और जो स्किन पे आपके कहते हैं ना एक ग्लो खत्म हो गया, कहीं चला गया है, उसको ये वापस लेके आएगा। आओ भैया आओ, वापस आओ, कहाँ गए थे।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको यहाँ पे डालना है, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, आपकी स्किन के झुर्रियों को दूर करने के लिए, दाग धब्बों को दूर करने के लिए, फाइन लाइंस को कम करने के लिए, आपके स्किन पे कसाव लाने के लिए, तो मेन इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पे मेथी। तो ये मेथी मैंने कैसे पीसी है, ये मेथी आप पीसने से एक घंटा पहले धूप में रख दो, और अगर आप मान लीजिए बारिश वारिश हो रही है या धूप नहीं है तो आपको इसको खाली रोस्ट करना है तवे पे, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इसको भूनना नहीं, खाली रोस्ट करना है, जिससे इसके अंदर का जो पानी है वो मर जाए और हमको बढ़िया सा ही मेथी मिल जाए। अच्छा, अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके तो ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छा 7 डेज चैलेंज किया हुआ था जो कि था फ्लैक्स सीड का, तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इतना कमाल का है कि अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो कि एक बार में ही आपको वो रिजल्ट मिल जाए, वो टाइटनेस आपकी स्किन पे मिल जाए, जो अगर आप 50 के हो या 40 के हो, 16 साल की उम्र की स्किन का आपका हो जाए, तो आप वो वाली वीडियो जरूर एक बार देखना और वो रेमेडी ट्राई करना। मैं गारंटी लेती हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन से ही, फर्स्ट आप जब एप्लीकेशन करोगे आपकी स्किन इतनी ज्यादा मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड और टाइट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, ऐसा आपको लगेगा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, अंदर से सारी गंदगी निकाल देगी। तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी है, अब मैंने इसको करना है मिक्स, और साथ में मैं एक इंग्रेडिएंट जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वो मुझे लेना है, लेमन जूस। देखिए जो लेमन जूस होता है वो उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा होती है कि बता नहीं सकते, और इससे ज्यादा लेमन जूस से ज्यादा जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है वो होती है इसके लेमन पील पे, तो आप लेमन पील भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है। अच्छा, जिसके स्किन बिल्कुल ड्राई है, सेंसिटिव है, वो लेमन जूस ना लगाएं, वो उसकी जगह टोमेटो जूस लगा सकती हैं, बट हमको, मेरे को सूट करता है, दैट्स व्हाई आई एम ओके विद दैट। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लगभग आधा नींबू का रस, एक चम्मच ही निकला होगा, तो इस तरीके से मैंने अच्छे से मैंने डाल लिया है। अब क्या करना है, अब आपको इसको मिक्स एंड मिक्स एंड मिक्स करना है। ये जो लेमन जूस होता है इसमें होता है साइट्रिक एसिड, विटामिन सी, जो आपकी स्किन को इतने अच्छे से लाइटन अप करेगा, अंदर का सारा मैल खींच के निकाल देगा, आप लाइव रिजल्ट देखना। अब आपको चलिए इसको हमें लगाना है अपने फेस पे, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको लगाना है। इसमें है पिसा हुआ चावल जो कि थोड़ा सा दरदरा होता है, तो आपको इसको डेली नहीं लगाना है, आपको इसको अल्टरनेट डेज पे लगाना है। इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, आप इसको कहीं भी प्रॉब्लमेटिक एरिया पे लगा सकते हो, आप अपने हाथ पे लगा सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके हाथों में भी रिंकल्स आ गए, तो उस पे भी ये यूज कर सकते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको 5 मिनट के लिए इसकी अच्छे से मसाज करनी है अपनी स्किन पे, जिससे कि इसके सारे जो गुड़ है वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए, और हमेशा आपको नीचे से ऊपर की ओर इसको इस तरीके से मसाज करनी है, जस्ट डू लाइक दिस। और मसाज करने के बाद 5 मिनट तक मसाज करने के बाद, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ मसाज करने के बाद, आपको इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 5 मिनट मसाज करने के बाद और 10 मिनट छोड़ने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सॉरी, 10 मिनट लगाने के बाद आपकी कुछ इस टाइप से पैक हो जाएगा, आधा सूखा आधा गीला। आपको इसको निकालना है, इसको आपको वॉश करना है, मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना अच्छा, वाओ, कितना अच्छा, इतनी अच्छी स्किन हो गई है। तो अब मैं इसको नॉर्मल पानी से वॉश करके आती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है। और देखिए एक बात और, कि जो पैक आपका बच जाए, वैसे आप कोशिश करो कि जितना आपको जरूरत हो उतना ही आप लगाओ, लेकिन अगर आपका पैक बच जाता है तो आप इसको स्टोर कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए। आपको ये नहीं कि आप 3 दिन बाद लगा रहे हो तो भी आप इसको स्टोर करके रखो, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टोर करना नहीं चाहते हो, आप फ्रेश बनाओ, फ्रेश लगाना चाहते हो, तो जो बच गया है उसको आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हो, आप अपने गर्दन पे लगा सकते हो। यहाँ तो मैं शूट कर रही हूँ तो इसलिए बैठी हूँ, नहीं तो वैसे मैं रहती हूँ तो मैं अपने गर्दन पे लगा लेती हूँ। आप नहाने से पहले ये रेमेडी यूज करिए, अपने गर्दन पे लगाइए, अपने हाथों पे लगाइए। देखिए हाथों पे भी रिंकल्स आ जाते हैं, गर्दन पे भी रिंकल्स आ जाते हैं, आपको उसको भी फिक्स करना है ना, तो आप वहां पे भी लगा सकते हैं।
तो चलिए मैं जल्दी से वॉश करके आती हूँ, आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो देखिए मैं अपना चेहरा वॉश करके आ चुकी हूँ और मेरे फेस पे आप ग्लो देख सकते हो। इतना अच्छा, इतना अमेजिंग रिजल्ट ये आपको देगा कि एक बार कमेंट में आके आप मुझे टैग जरूर बोलोगे। तो इस तरीके से आपको धो लेना है और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, देखिए वो स्टेप है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको कहेगा कि यार मुझे टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद आपको लेनी है एक कॉटन हैंकी और उसके बाद उसमें आपको डालना है एक आइस क्यूब। ये आइस क्यूब मेरा नॉर्मल आइस क्यूब नहीं है, ये मेरा है बॉइल्ड राइस वाटर आइस क्यूब जिसकी रेमेडी ऑलरेडी जा चुकी है और ये मैं पिछले 7 दिन से यूज कर रही हूँ और आज मेरा है 5वां दिन। तो अगर आपने इस तरीके से आइस क्यूब लगा ली अपने फेस पे तो उसके क्या फायदे होंगे? उसके फायदे ये होंगे कि आपके जो पोर्स ओपन हो गए हैं, जो भी आपने मास्क या पैक लगाया है, आपने अपने चेहरे को क्लीन किया है, आपके पोर्स क्लीन हुए हैं, तो उसको जो ओपन पोर्स है उसको आपको लॉक भी करना है। तो इस तरीके से जो भी न्यूट्रिशन आपको मिली है वो आपके स्किन पे लॉक हो जाए, आपके पोर्स जो ओपन है वो बंद हो जाए, श्रिंक हो जाए। एंटी एजिंग का काम करता है ये आइस क्यूब। मेरी ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो जा चुकी है कि आइस क्यूब मलने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं उतना नहीं बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव तरीका है राइस सॉरी आइस को रब करना, ये आपकी पफनेस को कम करेगी। ये बॉइल्ड राइस वाटर है तो ये आपकी साइंस ऑफ एजिंग को बहुत स्पीडली कम करती है, आपकी स्किन को फेयर करती है, आपकी स्किन अगर लूज पड़ रही है तो उसको भी ये टाइट करती है। तो इस तरीके से आपको मसाज कर लेनी है अपने चेहरे पे फॉर 20 to 21 सेकेंड। यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल जो कि माय फेवरेट, और इसके साथ मैं मिला ले रही हूँ गुलाब जल। वैसे आप सेपरेट गुलाब जल को एज अ टोनर स्प्रे करके ऊपर से आप एलोवेरा जेल लगा सकते हो, नहीं तो आप इसको मिक्स करके भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है एलोवेरा जेल और इस तरीके की कंसिस्टेंसी बन गई है और इसको मैं अच्छे से अपनी स्किन पे पेनिट्रेट करूंगी और बहुत बढ़िया मसाज देने वाली हूँ। तो ये यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है स्किन केयर रूटीन और आप भी इसको ऐसे ही करिएगा। देखिए एलोवेरा जेल जो होता है उसमें इतनी अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये आपके रिंकल्स को और फाइन लाइंस को बहुत स्पीड से कम करता है और साथ ही साथ जो एक ग्लो लाता है आपके फेस पे उसके तो कहने ही क्या है। तो डियर ये था मेरा आज का वीडियो, एक आज की प्रस्तुति। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर।